नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसी भी वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर आ सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि 3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की असेंबली में जो हुआ वो सही था या गलत। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना, संसद को निलंबित करना, देश में 90 दिन के भीतर चुनावों का ऐलान करना, केयरटेकर पीएम का नाम राष्ट्रपति के पास भेजना, ये सब सही था या फिर गलत। अगर सही है तो वही होगा जो इमरान खान ने तय किया है, लेकिन अगर ये गलत साबित हुआ तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा, क्या होगा इमरान खान का। पाकिस्तान के कानूनी जानकारों से बात करके हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की है, आप भी जान लें। फर्ज करें, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 अप्रैल को जो हुआ वो गलत हुआ, तो 3 जजेस क्या कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब माना जा रहा है कि ठीक 8 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुनाएगा कि आखिर जो संसद भंग करने का फैसला लिया गया था, जो डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को भंग किया था, वो सही है या फिर गलत। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया बताएं और इमरान खान को फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़े और जिसके पास बहुमत हो वो पीएम बने। मौजूदा स्थिति में शहबाज शरीफ बहुमत का दावा कर रहे हैं, बहुमत साबित करने वाला नया प्रधानमंत्री बनेगा, पहली बात। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हुआ तो गलत लेकिन 90 दिन में चुनाव करवाइए, ऐसा भी हो सकता है। इमरान खान शहबाज शरीफ दो नाम देंगे पहले और फिर यह फैसला होगा। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विदेशी दखल का आरोप है, इससे पहले इस मुद्दे पर बहस हो और फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, क्या होगा बस कुछ ही देर में पता चलेगा। स्पीकर तारीख प्रक्रिया कोर्ट तय करेगा सब कुछ। बहुमत साबित करने वाला नया प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का। आपको बता दें भारत पर क्या असर होगा, भारत के लिए क्या मतलब है, ये भी हम समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। केयर टेकर सरकार चुनाव करवाएगी क्या, विदेशी साजिश के आरोप पर बहस हो, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस कर दिया था डेप्यूटी स्पीकर ने कहते हुए कि विदेशी साजिश है ये। ऐसे में क्या है ये विदेशी साजिश, कौन है ये विदेशी ताकत जिसने ये सब कुछ किया। हालांकि अपने एक संबोधन में अमेरिका का नाम धीरे से ले ही लिया था इमरान खान ने, लेकिन क्या इस पर पहले बहस होगी, फिर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री तय किया जाएगा या फिर सीधे चुनाव होंगे। संसद में पक्ष विपक्ष की समिति नाम पर विचार करेगी, आपको बता दें, क्योंकि दो दो नाम दोनों की ही तरफ से दिए जाएंगे। समिति नाम चुनाव आयोग को देगी और फिर वहां से ये फैसला होगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री अगला पाकिस्तान का। पाक सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को बुला लिया है, बड़ी खबर इस वक्त की। चुनावों को लेकर एक संकेत मिल रहे हैं, चुनाव आयुक्त के साथ लीगल टीम को भी बुला लिया गया है। क्या 90 दिन के अंदर जो चुनाव होना है उस पर कोई तारीख आज ही मुकर्रर कर दी जाएगी, बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चुनाव आयुक्त को बल्कि चुनाव आयुक्त के साथ साथ लीगल टीम को भी बुला लिया है। पाक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए 8 बजे बताया गया था कि फैसला आएगा, अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।